हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ऑफिशियल। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट शिवलिंग, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचने वाले। आप लोग को दिख रहा होगा लिंग, तो चलिए हम लोग आपको लेके चलते हैं। और रास्ता कुछ इसी तरह नामकुम में पड़ता है ना सिन्हा जी, चुटिया और नामकुम के बीच में पड़ता है रांची में, तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। देख सकते हो एरिया कैसा है, और रांची से थोड़ा आउटर साइड में पड़ता है। मेरा स्कूल भी कुछ इसी तरफ है, तो वो भी दिखाते हुए जब हम लोग इधर से रिटर्न जाएंगे तो चलेंगे। देखिए बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है, और बच्चों के लिए खेलने का भी बना दिया है एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ चाट वाले हैं, स्पेशल मनोज चाट। देखिए यही है शिवलिंग जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। चलिए आपको दिखाएंगे वीडियो। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यही है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट शिवलिंग जो है रांची में। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग को लेके आऊँ यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, सिन्हा जी पार्किंग लगा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, तो अंदर का भी पूरा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी किस तरह से बनाया गया पहले। अभी दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। इतना बड़ा शिवलिंग है, ओ माय गॉड। और सिन्हा जी देखिए उधर कितना बड़ा है। और आखिरकार हम लोग यहाँ पहुँच गए, और हम लोग अपने स्कूल के भी करीब हैं, तो हम लोग स्कूल भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। देखिए मस्त लगता है ना, ऑब्वियसली भगवान का है तो मस्त तो लगेगा ही। कुछ बोलिए। ये देखिए ये शालनी है, कैसा लग रहा शालनी? बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा है। तो चला जाए अंदर। हाँ चलिए। तो जो सेकंड लार्जेस्ट मैंने जहाँ तक बताया वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये है शिवलिंग, आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हो इजीली। और देखिए श्रद्धालु लोग आए हुए, और सिन्हा जी भी। और यहाँ है गौरी जी लोग का फोटो, भगवान का, गणेश जी वगैरह का। तो ये दरवाजा बिल्कुल नया बना है, तो आप लोग को जो मन्नत मांगना है आप लोग मांग सकते हो, बहुत ही फेथ रखते हैं जो लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा शिव जी में फेथ रखती हूँ। और ये है यही शिवलिंग, बाहर देखे तो अभी ऊपर का नजारा। ये हो गया मंदिर का गेट हो गया यहाँ पर, और ये है शिवलिंग अंदर। और इधर से आप देखिएगा, इधर पूरा बाहर का दिखेगा। और ये है नंदी जी महाराज, सिन्हा जी देख। कुछ भी मन की बातें होती है ना आप शेयर कर सकते हो, पूरा हो जाता है। और इधर भी एक मंदिर है आपका शिव जी के। हाँ और बगल में एक और मंदिर है, वहाँ चलते हैं।
सिन्हा जी को दिखाऊंगी। सिन्हा जी चलिए, यहाँ कौन से भगवान का मंदिर है? यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है जो मैं और सिन्हा जी लगा चुके हैं। हाँ देखिए टीका लगा रही है आंटी, छोटा बच्चा का टीका लग गया। चंदन लगा रहे हैं ना? चंदन, हाँ चंदन और रोरी। और अब सिन्हा जी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हनुमान जी का मंदिर। रेखा नदी है इधर। चलिए पहले हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे सुरेखा नदी। सबसे शक्तिशाली हैं हमारे हनुमान जी। तो आप लोग सबको ही बोलो जय हनुमान जी की जय। देखिए जहाँ कोई भी मूर्ति होता है वहाँ पे हनुमान जी का जरूर होता है ना सिन्हा जी। चलिए आइए देख सकते हैं पीछे जंगल की तरह बना हुआ पूरा। और ये रोड है आपका जो नामकुम निकलता है, ये सुनरेखा नदी है। ये भैया ये जो कलश लेके आए थे वो है ना, कब हुआ है ये स्टार्ट यहाँ पे? ये 3 मई से, 3 मई 2022 शुरू हुआ। उसके बाद 7 मई 2022 को प्राण प्रतिष्ठा मतलब पूरा कार्यक्रम संपूर्ण कर दिया। आप लोग ये भी से है? तो चलिए देखिए सिन्हा जी, और यहाँ पे एक मंदिर था हनुमान जी का, तो सिन्हा जी लेंगे प्रसाद। लो पकड़ो, शालिनी प्रसाद ले रही है। ये है शिव जी का महादेव, सुरेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है तो मैं आपको पूरा दर्शन करा दे रही हूँ यहाँ से सिन्हा जी। और ये है मेरे सिन्हा जी जो पता नहीं क्या क्या हंस भी नहीं रहे, वीडियो में भी नहीं हंस रहे। आज हम आपको शिव मंदिर में दिखाएंगे सिन्हा जी कैसा हंसते हैं। सिन्हा जी हंसिए हंसिए, यही तो फेस अच्छा लगता है, हंसते रहकर मेरा गोलू मोटू। मेरे शिव जी तो यही है और साथ में ये मेरे शिव जी दोनों, एक पहले शिव जी वो और दूसरे शिव जी है। थोड़ा सा गुस्सा कर दे तो सिन्हा जी तो गोलू मोलू हो जाता है। देखिए पूरा बाहर का मैं व्यू आपको दिखा, ये क्या है सिन्हा जी? हवन यही होता है, लेकिन ये भूसा में हवन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये बनाया गया बाहर में धुआं करने के लिए, धूप उपने पड़े हवन करने। तो यही है मंदिर, और देख सकते हो जूम करके दिखा रही हूँ कि मंदिर की हो रही है सफाई, पूरा क्लीन रखा जा रहा है मंदिर को। और ये मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ लिंक, कि यही जो है सेकेंड लार्जेस्ट लिंक है इंडिया का, जो हमारे रांची में स्थित है। और ये सुरेश्वर महादेव मंदिर की रखा गया सुरेश्वर। देखिए लाइट जल गया, वाओ रात में तो और सुंदर लग रहा है। अब यहाँ शायद आरती होगा। और यहाँ पे है सुभादीप स्वीट्स एंड स्नैक्स, जो बाहर का एरिया वो भी आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ प्रसाद वगैरह का स्टॉल भी लगा हुआ है और इधर मुक्ति धाम है और यहाँ का वेदर देखिए विदाउट पॉल्यूशन कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बादल से घेरा हुआ है। तो देखिए ये डेवलप हुआ है बहुत एरिया, ब्यूटी मंदिर, मंदिर से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा लोगों को, है ना सिन्हा जी? हाँ, लास्ट में दिखा दे रही हूँ। तो सिन्हा जी एक फोटो यहाँ पे आप ले लीजिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ ये जल गया ना, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पे नक्काशी किया गया है मंदिर का। और ये है सुरेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है चुटिया में। तो देख सकते हो लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को पूरा दृश्य दिखाते जाना चाहती हूँ। सिन्हा जी जूता पहन लिए हैं, एक जूता ढंग से पहने नहीं है, खैर जो भी है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पूरा मस्त मंदिर का नक्काशी किया हुआ है और जूता चप्पल रखने का, और यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल इन लोग लगाए हैं और यही रास्ता है। और अभी बहुत कीचड़ हो चुका है रास्ता में। तो और ये है पूजा का, यहाँ पे मिलता है नारियल वगैरह, तो आप लोग जैसे आते हो तो यहाँ पे नारियल वगैरह ले सकते हो, बाय करो, बोलो हम लोग की शॉप पे जरूर आइएगा, बोल दो। श्रावण में हम लोग की शॉप पे जरूर आइएगा। और यहाँ क्या क्या मिलता है वो भी दिखा दे रहे हैं, ये अक्षत है, सारा कुछ दिखा दे रहे हैं। ये सारा कुछ इजीली आप लोगों को घर से लेके आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे सारा मिल जाएगा। तो ये भी है एक छोटी, हाय करो, हाँ अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा है ना इसीलिए। तो ये स्टॉल में आप लोग जरूर आइएगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, या मंदिर में अभी आप लोग आइएगा जरूर, और जो रांची में रहते हैं वो लोग तो जरूर ही आइए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही चुके हैं। तो बाय कीजिए, कैसा लगा आगे तुम बता, तो कैसा हमको तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पूछ लो मैं बता दूँ कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा आके, थोड़ा सा खराब लगा लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, बाकी तो बहुत अच्छा लगा। सिन्हा जी को बेहतर पता है कि क्यों खराब लगा मुझे, इतना सुंदर।